You are watching my nice academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 Mathematics New Syllabus Punjab Textbook Board Chapter Number 1 Exercise 1.5 Question Number 1 Part 1 वैल्यू है हमारे पास 10 और 25। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर मालूम करेंगे। 10 के फैक्टर लगाएंगे, 2 के टेबल स्टार्ट करेंगे। 2 फाइव ज़ार 10, 5 वन ज़ा 5, इसके फैक्टर आ गए 2 और 5। अब 25 के फैक्टर बनाएंगे, 25 के 5 फाइव ज़ार 25, 5 1 5। अब 10 ये हो गए फैक्टर हमारे, फैक्टर्स 10 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 के क्या फैक्टर हुए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर इस फैक्टर निकालने में कोई आपको इशू आ रहा है, ये समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। HCF हमारा कॉमन क्या होता है, जो कॉमन होगा दोनों वैल्यूज़ में, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो HCF कहलाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका कॉमन आ गया 5। LCM क्या होता है कि किसके प्रोडक्ट होता है, दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है, लेकिन कॉमन को वन टाइम लिखा जाएगा। 5 आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया। इनको 5 2 10, 5 10 5 50। अब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, वो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 250। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250। तो क्या हुआ आंसर, आंसर हमारा 250 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, पार्ट टू क्या है, 8 and 28। 8 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 4 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम 8 पर, तो 8 हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 28 का 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। ये फैक्टर हमारे बन गए। अब इनको हमने यहाँ पर लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 28 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये दोनों में कॉमन है 2 और ये 2 कॉमन है। HCF हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 के, 4 हमारा HCF हुआ। LCM हमारा क्या हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 7, तो ये आ गया 57 इन्हें मल्टीप्लाई करने से। अब क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 224। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 28 किसके बराबर आ जाएगा, इनको करेंगे तो 224 के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आंसर हमारा 224 हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। थर्टी फोर एंड 68, इनके वही हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 1 बचा, इधर आया 14 हो गया, 2 7 14, 17 1 17। अब 68 का करेंगे फैक्टर बनाएंगे, 2 2 3 6, 2 4 8,
टू वन ज़ा टू वन कैरी हुआ इस साइड पर तो 14 हो गया, तो ये हो गया 2 7 ज़ा 14, 71 ज़ा 17, 17 वन ज़ा 17, ये इसके हमारे फैक्टर बन चुके हैं। 34 के हैं 2 एंड 17, और 68 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 17। अब HCF क्या हुआ, ये कॉमन है इसमें दोनों में और 17 का कॉमन है, ये दोनों हमने ले लिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 34 आंसर आया। LCM लेंगे हम इन दोनों फैक्टर्स का, तो क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 17, ये हुआ मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो रह गया था बाकी नॉन कॉमन फिगर डिजिट, तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68। अब HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2312 इनको मल्टीप्लाई करने से आया किसको, 34 मल्टीप्लाई बाय 68, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये दो नंबर्स जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, तो आंसर हमारा सही हुआ। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 35 एंड 77 फैक्टर बनाएंगे इनके, पहले 735 के फैक्टर बने 5 7 ज़ा 35 7 1 ज़ा 7, 77 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 11 1 ज़ा 11, तो ये फैक्टर बन गए 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 77 के 7 11 मल्टीप्लाई बाय 7, इनमें कॉमन 7 है, HCF इसका कॉमन 7 है और LCM क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 385। HCF और मल्टीप्लाई बाय LCM इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2695 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही आना चाहिए, तो ये हमारा इसका भी आंसर है सेम यही बना 2695। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, 110 एंड 230, इन दोनों को का हम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की, तो ये हमारा 110 का हमने क्या करना है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10, डिवाइड करेंगे 110 को 2 पर। अब 55 को डिवाइड करेंगे 5 पर तो आंसर आएगा 11, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 11 1 ज़ा 11, 230 का 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 2 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये वाला 23 1 ज़ा 23, ये हमने इसके फैक्टर बना लिए अभी जो ये बनाए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, किसके 110 के, और 230 के कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23, कॉमन क्या है हमारे पास 2 और 5, HCF हमारा क्या आएगा 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10 के, LCM हमारा है 2 इंटू 5, ये वाला मल्टीप्लाई बाई ये 11 मल्टीप्लाई बाई 23, इन चारों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आया 2530। HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2530 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25300 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, 110 मल्टीप्लाई बाय 230 इज इक्वल टू सेम ये ही आया हमारा 6 पार्ट 6, 160 एंड 380, 160 के हमने फैक्टर बनाए 2 8 ज़ार 16
0 0 आ गया, 2 4 8 0, 2 2 4 0, 2 2 1 2 0, 2 5 10 5 1 5, 2 1 2 2 8 2 9 18 0 रहा, 2 9 18 1 बचा, 2 5 10 5 1 5 5 9 45 19 1 19। ये हमने इसके फैक्टर यहाँ पर लिख लिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 × 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय 19। ये कामन और 5 कामन, HCF हमारा कामन है तो 2 × 2 × 5 20 हमारा HCF आ गया। LCM क्या हुआ, 2 × 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 19। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 3040। HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 3040 को 60800 हमारा वैल्यू आई। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो हमारी क्वेश्चन है इसको हम ये प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 160 × 380 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 60800 हमारी वैल्यू आएगी। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, हमारा आंसर सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यार अब तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।